आज हम ऑप्शंस पर अपनी क्लासेस की जो सीरीज चल रही है इसमें एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं और आज मैं आप लोगों के साथ ऑप्शंस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का नाम है मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा और ना सिर्फ ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए बल्कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब मार्केट में आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं भले एज एन ऑप्शंस बायर या एज एन ऑप्शन सेलर तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिसको मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा भी। तो उन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर उनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ताकि आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से समझ सकें और उनके अंदर छुपी हुई जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको भी आप अच्छी तरह से आप समझ सकें ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो अच्छा हो। यानी कि आप बहुत सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को चूज करेंगे ना तभी तो आप उसके अंदर ट्रेड करेंगे तो आप उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से सिलेक्ट कर सकें यानी कि आपका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो सिलेक्शन हो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझने के बाद हो तो आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर किस तरह से आप समझ सकते हैं उनको जान सकते हैं और यही एक कोशिश है मनीनेस ऑफ ऑप्शंस के थ्रू आपको बताने की। तो चलिए हम जल्दी से ये देखने की कोशिश करते हैं कि मनीनेस ऑफ ऑप्शंस का क्या मतलब है। यहाँ पर मैंने अगेन आप लोगों के लिए एक छोटी सी मोशन ग्राफिक्स की एक क्लिप तैयार करी है आप उसको देखिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप उसे खुद अपने आप देखिए और उसके बाद मैं इसको साइड बाई साइड एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इस क्लिप को प्ले कर रहा हूँ ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इस क्लिप को देखा और मेरे ख्याल से कुछ बातें आप लोगों के दिमाग में क्लियर भी हुई होंगी। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपको डाउट भी हो रहा हो तो चलिए मैं इसको अगेन एक बार फिर से रिप्ले करता हूँ और आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ। पहला पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि मनीनेस इज एक्चुअली द असेसमेंट ऑफ एडवांटेज एन ऑप्शन बायर चाहे वो कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो एंजॉयज। बात समझे आप? यानी कि आप ध्यान करिए जब मैं आपको कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो एक कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स आ रही थी जिसके अंदर एक स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही थी। तो जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज एन ऑप्शन बायर घुसते हैं एज एन ऑप्शन बायर आप अपना रोल प्ले करते हैं चाहे कॉल ऑप्शन बायर या पुट ऑप्शन बायर तो आपको ये देखने की ज़रूरत होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट है वो आपको किसी तरह की एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। बात समझ रहे ना? एडवांटेज का मतलब तो समझते हैं ना भाई। फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई माल लेट से 100 रुपए पे खरीदना है और मार्केट में वो माल जो है वो 120 रुपए का चल रहा हो तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपए की एडवांटेज दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना आपके? तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस लॉक हो रहा है यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस रखा जा रहा है क्या वो आपको जो कैश मार्केट है उसके कंपैरिजन में कोई एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं प्रोवाइड कर रहा है?
तो मनीनेस से हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो प्राइस है उसकी एडवांटेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। कि ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो प्राइस है वो ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है जी, ऑप्शन बायर के लिए वो प्राइस जो है यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो एडवांटेजियस है या नहीं। मेरी बात सुनी आपने, ध्यान से सुनी बिल्कुल, चलिए वेरी गुड, एकदम भी अपना फोकस ना लूज करिएगा, सारा फोकस जो है इस क्लास के ऊपर रखिएगा। आप लोगों के लिए इस क्लास को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज एन ऑप्शन बायर प्ले करते हैं, यानी कि अगर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर अगर आप एज ए कॉल बायर आप जाते हैं, या कोई पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर आप एज अ पुट बायर जाते हैं, तो ये आपको देखना बनता है कि जो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको आपके लिए एडवांटेजियस है या नहीं आज की तारीख में, ठीक है जी। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एडवांटेजियस है या नहीं, जब आप उस प्राइस को जो कैश मार्केट का प्राइस है उससे आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये स्ट्राइक प्राइस एडवांटेजियस है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं कि क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट आ रहा है जो अभी मैंने आपको बात एक्सप्लेन करी थी कि वही है कि व्हेन वी कंपेयर द कैश मार्केट प्राइस विद स्ट्राइक प्राइस इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वी गेट टू सी दैट वेदर द ऑप्शन बायर चाहे वो कॉल ऑप्शन बायर हो चाहे वो पुट ऑप्शन बायर हो हैज एनी एडवांटेज। तो वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस है या नहीं है आज की तारीख में, यानी कि जिस समय इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है, तो उस समय हम क्या करेंगे स्ट्राइक प्राइस को कैश मार्केट प्राइस से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ऐसा ही करेंगे ना भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ किसी माल को खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करूं, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ऑप्शन सबको किनारे कर दिए, लेकिन एडवांटेज कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, एडवांटेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं और आप किसी माल को खरीदने या बेचने को कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्राइस तय किया जाएगा। अब आप ये देखना अगर चाहें कि भाई ठीक है ये जो प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा जा रहा है ये प्राइस मेरे लिए एडवांटेजियस है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो प्राइस है वो बाहर जो ओपन मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है आप उससे क्या करोगे कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा ओहो ये जो कैश मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही है वहां पर जो प्राइस चल रहा है उसके कंपैरिजन में इस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो मुझे किसी तरह की कोई एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उस एडवांटेज का आइडेंटिफिकेशन ही मनीनेस कहलाता है ऑप्शन के अंदर, कि जब हम देखते हैं कि हाँ ये जो स्ट्राइक प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस है या नहीं है, ठीक है जी। तो उस स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करते हैं कैश मार्केट के प्राइस से कंपेयर करते हैं। चलिए वेरी गुड, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और आ रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले आपको लग रहा होगा क्या सर ये सब बार बार थ्योरी के पॉइंट क्यों पढ़ा रहे हो यार, तो भाई मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरी जो क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी होंगी, लेकिन उन प्रैक्टिकल डेटा सेट्स को डिस्कस करने से पहले उन प्रैक्टिकल केस स्टडीज को डिस्कस करने से पहले कुछ थ्योरी तो डियर आपको पढ़नी ही पड़ेगी, कुछ पॉइंट्स तो आपको अपने दिमाग में बैठाने ही पड़ेंगे। जब वो पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर जब मैं मार्केट से डेटा उठा करके आपके स्क्रीन के सामने डालूंगा तो आप उन पॉइंट्स जो आपने पहले से दिमाग में अपने बैठा रखे हैं उनके बेसिस पर आप उस डेटा सेट को उस मार्केट के ट्रेडिंग के डेटा को आप अच्छी तरह से आप क्या कर पाएंगे आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल फिक्र ना करिए, डोंट वरी, बहुत ज्यादा जो रियल मार्केट का जो रियल टाइम डेटा है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो रियल टाइम भी हो सकता है या हो सकता है कि कुछ पुराना डेटा भी हो सकता है, लेकिन आपको जो एक्चुअल में जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग का जो सीन होता है वो डेफिनेटली मैं आप लोगों को पिक्चर क्लियर करूंगा उसकी, ठीक है। तो अगेन मैं आ जाता हूं इस पॉइंट के ऊपर जो कि आपके स्क्रीन के सामने ऑलरेडी आ चुका है कि ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ एडवांटेज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मे बी कैटेगराइज इन थ्री टाइप्स, यानी कि जब हम स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन के अंदर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है उसको जब हम कैश मार्केट के प्राइस से कंपेयर करेंगे तो तीन तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हमें दिखाई पड़ेंगे, या यूं बोलिए कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे उनको हम तीन कैटेगरीज के अंदर हम बांट देंगे। वो तीन कैटेगरीज कौन सी होंगी आप ये बताइए, आप यूं ही बता सकते हैं मुझे अभी ही बिना आगे पॉइंट्स के ऊपर जाए, मेरे ख्याल से आपको ये बता लेना चाहिए
कि वो तीन तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे जब हम स्ट्राइक प्राइस को कैश मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे। आपको यूं ही बता लेना चाहिए, आपकी जो कॉमन सेंस है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप इसका आंसर मुझे यूं ही दे दें। एक तरह का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो वो होगा जो ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस होगा, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो होगी वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में ऑप्शन बायर को किसी तरह की क्या दे रही होगी, कोई ना कोई एडवांटेज दे रही होगी, ठीक है जी। दूसरी बात, कुछ इस तरह के भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि वो किसी भी तरह की कोई एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कर रही है, यानी कि ना ही एडवांटेज है ना ही डिसएडवांटेज है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो कैश मार्केट प्राइस के बराबर होगा। समझ में आने वाली बात है कि भाई जो मार्केट में इस समय रेट चल रहा है वही कैश मार्केट का, जो कैश मार्केट का रेट चल रहा है वही रेट हमने स्ट्राइक प्राइस का भी रखा है, तो यानी कि स्ट्राइक प्राइस और कैश मार्केट का जो प्राइस है वो बराबर है। तीसरे कौन से तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तीसरे इस तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसमें जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस रखा गया है वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में अभी, ध्यान से सुनिएगा, अभी जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो ऑप्शन बायर के लिए डिसएडवांटेजियस है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा कोई जिसमें ऐसा प्राइस फिक्स किया जाए, ऐसा स्ट्राइक प्राइस रखा जाए जो ऑप्शन बायर के लिए क्या हो, डिसएडवांटेजियस हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लें जो अभी क्या हो, डेवलप ना हो, आ रही बात समझ में। लेकिन आप अपनी दूरदृष्टि यानी कि एक अच्छी मार्केट की फ्यूचर में क्या क्या स्थिति हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए आप उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दें, हो सकता है वो प्रॉपर्टी आगे चल करके वहां पर एरिया डेवलप हो जाए और वो आपके लिए क्या बन जाए, प्रॉफिटेबल बन जाए, मेरी बात समझ रहे। तो कुछ ऐसी स्थितियां ऑप्शन मार्केट के अंदर भी हो सकती हैं कि आप कोई एज एन ऑप्शन बायर कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं जो आज आपके लिए डिसएडवांटेजियस हो, लेकिन आपको मार्केट को लेकर के ये एनालिसिस हो कि भाई ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है मेरे लिए आगे चल करके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लाइफ, यानी कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइफ होती है आपको पता ही है, सेटलमेंट जो डेट होती है वो आगे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर आगे की हो सकती है। तो हो सकता है कि वो आपकी ये एनालिसिस हो कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो स्ट्राइक प्राइस है ये आज मेरे लिए डिसएडवांटेजियस है, लेकिन आगे चल करके ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेजियस बन जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति हो सकती है तो आप एक डिसएडवांटेजियस स्ट्राइक प्राइस को आप क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात मेरी। तो आप एडवांटेज के बेसिस के ऊपर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी आगे ये फिर से पॉइंट रिपीट होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं अभी आपको मैं बता दूं, मुझे जल्दी है आपको बताने की। तो मैं आपसे कह रहा था कि 3 तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे एडवांटेज के बेसिस पर, और सिर्फ एडवांटेज किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी, सिर्फ ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज को हम कभी नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एडवांटेज को देखेंगे। कैसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस है, एक ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑप्शन बायर के लिए डिसएडवांटेजियस है, और एक ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है वो कैश मार्केट के बराबर है, यानी कि ना तो वो स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस है ना ही वो डिसएडवांटेजियस है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, बहुत सारा मैंने बोल दिया और बहुत सारी मेहनत करी है मैंने आपके साथ, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट जो पहला आ रहा है यहाँ पर, अब उन्हीं जिन 3 तरह के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र जो मैंने आपसे किया उसी में पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो ये नाम, इनका नॉमेनक्लेचर भी आपको ध्यान रखना है, यानी इनको जो नाम दिया गया है इनका जो टेक्निकल नेम है वो आपको याद रहना चाहिए। तो पहली तरह के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हैं ITM यानी इन द मनी। तो ITM ऑप्शंस कौन से होते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो एडवांटेजियस होता है ऑप्शन बायर के लिए एज कम्पेयर टू कैश मार्केट प्राइस। सिचुएशन क्यों बोला जा रहा है, सिचुएशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, कैश मार्केट का प्राइस लगातार चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि जो ऑप्शन अभी इन द मनी हो वो आगे चल करके इन द मनी ना रहे। तो इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसके अंदर जो उसका स्ट्राइक प्राइस है वो कैश मार्केट के कंपैरिजन में ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस है। तो बिल्कुल ना भूलिएगा, इन द मनी कौन से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इन द मनी ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिनका स्ट्राइक प्राइस अभी ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस है। आगे देखते हैं हम,
दूसरा यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया जा रहा है, एट द मनी यानी कि एटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ये कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जिसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो कैश मार्केट प्राइस के बराबर होता है, यानी कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना ही ऑप्शन बायर को किसी तरह की एडवांटेज दे रहा है ना ही डिसएडवांटेज दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम एट द मनी बोलते हैं या हम एटीएम बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली में और आप उसको आइडेंटिफाई करना भी सीखिएगा। और तीसरी तरह के फाइनली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, आउट द मनी या ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो अभी फिलहाल ऑप्शन बायर के लिए डिसएडवांटेजियस है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको इस पॉइंट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपके लिए अभी कोई चीज डिसएडवांटेजियस है लेकिन फिर भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आगे चल करके ये जो सिनेरियो है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेजियस होगा। तो अभी जो बिगनर्स हैं उनको हो सकता है कि मेरी बातें पूरी अच्छी तरह से समझ में ना आ रही हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग उन्हें डेफिनेटली लग रही होंगी। तो आगे अभी मैं ऐसे मार्केट से निकाल करके कुछ ऐसा डेटा लाऊंगा जिससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ITM, ATM और OTM कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छी तरह से क्या कर पाएं, आइडेंटिफाई कर पाएं। ठीक है जी, आपकी जो पूरी ऑप्शन स्ट्रेटजीज होंगी यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे उसका पहला स्टेप यही है कि आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ITM है, कौन सा ATM है, कौन सा OTM है, और फिर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इसमें से आप कोई ITM, कोई ATM या कोई OTM कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करें, आप चूज करें। तो बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं लूज करिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्या पॉइंट आ रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि रिमेंबर यानी कि याद रखिएगा, एज द कैश मार्केट प्राइस इज एवर चेंजिंग। भाई कैश मार्केट का प्राइस तो लगातार चेंज हो रहा है, आपको पता ही है कि कैश मार्केट में लगातार क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। तो ये जो एडवांटेज को लेकर के जो असेसमेंट है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं और आप किसी ये ऑप्शन को किनारे कर दिए, मैं और आप किसी माल को खरीदने या बेचने का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करें और उसके अंदर किसी प्राइस को क्या कर दें, फिक्स कर दें, और उसके बाद हम ये देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है ये हमारे लिए एडवांटेजियस है या एडवांटेजियस नहीं है, यानी कि एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है, तो हम कैसे देखेंगे, हम उसको कैश मार्केट के प्राइस से लगातार क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कैश मार्केट का जो प्राइस है क्योंकि वो लगातार चेंज हो रहा है, उसमें लगातार उठापटक मची हुई है, वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो हमारा जो कंपैरिजन से जो रिजल्ट निकल रहा है वो लगातार चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, कभी हमारे लिए जो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्राइक प्राइस है कभी एडवांटेजियस दिखाई पड़ेगा, कभी डिसएडवांटेजियस दिखाई पड़ेगा, यानी कभी हो सकता है कोई ऑप्शन ITM हो या हो सकता है वही ऑप्शन क्या हो जाए OTM में कन्वर्ट हो जाए या वही ऑप्शन क्या हो जाए वो एट द मनी यानी कि ATM हो जाए। तो ये जो असेसमेंट है कि वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है जो हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो इन द मनी है या आउट द मनी है या एट द मनी है, वो जो असेसमेंट है वो लगातार क्या होता रहता है वो मार्केट में, क्योंकि कैश मार्केट के अंदर प्राइसेस लगातार चेंज हो रहे हैं तो वो असेसमेंट जो है वो लगातार चेंज होता रहता है। तो इसलिए लगातार क्योंकि असेसमेंट चेंज होता रहता है तो उनका जो जो आइडेंटिफिकेशन है एज एन ITM, एज एन OTM या एज एन ATM यानी कि किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, तभी आगे चल करके अभी जो मैं आप लोगों के साथ कुछ मार्केट से रिलेटेड कुछ सिनेरियोज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा तभी आप अच्छी तरह से उन चीजों को आप समझ पाएंगे, आप एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं कि दो वाइल कॉलिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ITM, ATM और OTM वी इग्नोर द प्रीमियम, वी जस्ट कंपेयर द स्ट्राइक प्राइस विद कैश प्राइस। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हम किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज कर रहे हैं और उसको हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऑप्शन बायर के लिए एडवांटेजियस है या नहीं है, यानी कि वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी है या आउट द मनी है या एट द मनी है, जब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ हम स्ट्राइक प्राइस यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का जो प्राइस है सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को हम कैश मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं, ये अपनी एनालिसिस में हम प्रीमियम को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जब हम किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एज एन ITM आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या एज एन OTM आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या एज एन ATM आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस आइडेंटिफिकेशन के समय
हम प्रीमियम को क्या करते हैं, प्रीमियम को हमें अपनी एनालिसिस के अंदर नहीं रखते हैं, प्रीमियम को हम इग्नोर करते हैं और सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आईटीएम है, ओटीएम है या एटीएम है। यूं तो प्रीमियम इज द सेंटर ऑफ द एंटायर ऑप्शंस ट्रेडिंग। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रीमियम को इग्नोर करते हैं, प्रीमियम से ही सारी कहानी स्टार्ट होती है और प्रीमियम पे ही खत्म होती है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ऑप्शंस ट्रेडिंग का, ऑप्शंस के कॉन्सेप्ट्स का, वो प्रीमियम है। लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट का बेस जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आईटीएम बुलाना हो या ओटीएम बुलाना हो या उसको आप एटीएम के नाम से पुकारें, तो ये नाम देने से पहले या नाम देते समय हम उस समय प्रीमियम को नहीं देखते हैं कि उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम क्या है। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को हम सिर्फ कैश मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे कुछ और पॉइंट हमारे सामने आ रहे हैं, उनको भी हम जल्दी से देखते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटेगराइजिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एज आईटीएम, एटीएम और ओटीएम इज टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड और एनालाइज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, क्योंकि जब जैसे मैंने कहा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी, और ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हैं तो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आंख बंद करके कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने चूज कर लिया, उसका प्रीमियम पे कर दिया एज ए बायर या प्रीमियम रिसीव कर लिया एज ए सेलर। नहीं, आप ऑप्शंस की प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाते हैं मार्केट के सिनेरियो देखते हुए, उसके बाद आप ऑप्शंस के अंदर किसी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। ठीक है जी, तो आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मेशन के लिए कि आप अच्छी तरह से मार्केट को आप एनालाइज कर पाएं और एक अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो ऑप्शंस की चॉइसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं आप क्या करें, उनको सेग्रीगेट कर दें। तो इस तरह से आप ऑप्शन को क्या करते हैं, तीन ग्रुप्स में बांट देते हैं कि भाई आईटीएम ऑप्शंस कौन से हैं, एटीएम ऑप्शंस कौन से हैं और ओटीएम ऑप्शंस कौन से हैं, और उसके बाद क्या करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इन ग्रुप्स में से आप क्या करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप सिलेक्ट करते हैं, उनको चूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से जो मार्केट के अंदर जो बहुत सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें आप सबसे पहले क्या करते हैं, तीन ग्रुप्स में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को बांट देते हैं, या मार्केट आपको ऑलरेडी जो एनएससी है या जो आपका ब्रोकर है या आपके टर्मिनल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ऑलरेडी इस तरह से सेग्रीगेट होकर के आती है, आपको कुछ करना नहीं होता है। लेकिन आपको एज ए ट्रेडर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आईटीएम ऑप्शंस कौन से हैं, एटीएम ऑप्शंस कौन से हैं और ओटीएम ऑप्शंस कौन से हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम, एक पॉइंट और निकल करके आ रहा है। वंस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ट्रेडर्स आर बेटर पोजीशन टू मेक सिलेक्टिव चॉइसेस आउट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसी बात को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि जब एक बार आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर दिया, ग्रुप्स में बांट दिया, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेकर कि मार्केट में कौन कौन से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं और उनके क्या प्रीमियम्स चल रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाता है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, आप मार्केट को और अच्छी तरह से देख पाते हैं और जो उसके अंदर से जो आपका सिलेक्शन है कि मार्केट में इतने सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, हम इसके अंदर कौन सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट चूज करें, तो आपके लिए ये जो समझ है ये क्या हो पाती है, ये आसान हो पाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो फिर अगेन इस बात को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बाय चूजिंग आउट ऑफ आईटीएम, एटीएम और ओटीएम ट्रेडर्स आर बेटर पोजिशन टू फॉर्मुलेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जब आप एक बार मार्केट को इस नजर से देखते हैं कि मार्केट में कौन से ओटीएम ऑप्शंस हैं, कौन से आईटीएम ऑप्शंस हैं और कौन से ऑप्शंस एटीएम हैं, तो आप मार्केट को लेकर के क्योंकि आपकी जो समझ है वो अच्छी हो जाती है, वो क्लियर हो जाती है, तो आप एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। दो पॉइंट्स और आ रहे हैं यहाँ पर, चलिए इनको भी देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। दो व्हाइल कॉलिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, वी इग्नोर द प्रीमियम, वी जस्ट कंपेयर स्ट्राइक प्राइस विद कैश प्राइस, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। बट प्रीमियम इज द बेसिस ऑफ कंपैरिजन व्हाइल कंपेयरिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ वन आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स विद अनदर आईटीएम, एटीएम, ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात आपके? देखिए, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ठीक है, जब किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम आईटीएम बुलाएं या एटीएम बुलाएं या ओटीएम बुलाएं या इसमें हम इन्हें पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर रखें, उस समय तो हम प्रीमियम को क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो सेंटर पॉइंट है वो प्रीमियम का है, ठीक है ना, प्रीमियम से ही ऑप्शन ट्रेडिंग की कहानी स्टार्ट होती है और प्रीमियम से ही खत्म होती है, तो इसलिए प्रीमियम को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक बार हमने क्या कर दिया,
बहुत सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने आईटीएम के अंदर डाल दिया और बहुत सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने ओटीएम के अंदर डाल दिया और कुछ ऑप्शन और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एटीएम के अंदर आ गया। तो अब हमें चूज करना है। तो अगेन जब हम एक आईटीएम, क्योंकि आईटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स कई सारे होंगे, यानी कई सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनके स्ट्राइक प्राइसेस जो होंगे वो आपके लिए यानी एज एन ऑप्शन बायर एडवांटेजियस होंगे, या बहुत सारे ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि ओटीएम की कैटेगरी के अंदर होंगे। तो उसमें आई मीन आप एक ओटीएम ऑप्शन चूज करें या दूसरा ओटीएम ऑप्शन चूज करें, एक आईटीएम ऑप्शन चूज करें या दूसरा आईटीएम ऑप्शन चूज करें, ये जो ओवरऑल जो आपका पूरा कैलकुलेशन होगा, ये जो एनालिसिस होगी, ये प्रीमियम के बेसिस पर ही होगी। तो आई मीन प्रीमियम को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो इस तरह से हमने आई मीन यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझने की कोशिश करी जिसका नाम है मनीनेस। क्योंकि इन द मनी बोलते हैं, आउट द मनी बोलते हैं या एट द मनी बोलते हैं, इसलिए इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम मनीनेस के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये मनीनेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो समझ में आया होगा। अभी भी मेरे ख्याल से एज ए बिगनर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए होंगे और आप लोग कुछ डाउट में भी हो सकता है हो, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि ये पॉइंट्स अगर आप पकड़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, अपने दिमाग में रिटेन कर लेंगे, तो आगे अभी जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए क्या होगी, वो आसान होगी। और अगर जो कुछ डाउट्स आप लोगों के रह गए तो वो उस एक्सरसाइज के अंदर निकल भी जाएंगे, क्योंकि आगे मैं इस तरह की एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा मार्केट से रेलेवेंट, और वो एक्चुअल में मार्केट में जो डेटा होता है उसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पर स्लाइड प्रिपेयर की गई है और आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो वहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये इन द मनी है या आउट द मनी है या एट द मनी है, ठीक है।